नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तुम बोलो। मैं श्याम। ठीक से बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आई एम श्याम। हाँ चलिए, आज मैं चल रही हूँ छोला बनाने। तो ये देखिए, मैंने रात भर भिगो के रखा है। ये देखिए, हम दोनों लोग मिलके खाना बनाएंगे। मैं अकेले नहीं बनाऊंगी, आज ये भी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये छोले मैंने रात भर भिगो के रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं। तो छोला उबालने के पहले ये देखिए, ये मेरा भगोना है, इसमें मैं पानी गर्म करूंगी। और पानी गर्म में ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय खोल गई है। ये चाय की मैं आपको बता रही हूँ कि छोला जो होता है, इसमें हलवे लोग जो है एक कपड़े में चाय की पत्ती बांध के डाल देते हैं। तो मैंने उसका दूसरा नया तरीका निकाला है कि कपड़ा नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये भगोने में मैंने चाय खोला ली है और इस पानी को इसमें हम छान के डाल देंगे, तो मेरे छोलों में कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये देखिए, ये मैं चाय की पत्ती छान लेती हूँ और इसी पानी में मेरा छोला जो है उबल जाएगा। और एक पिंच इसमें मैंने सोडा डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। अभी देखिए, मेरा छोला बॉयल होने लगा है। इस पे देखिए, ये मैंने हाफ प्याज काट के डाल दिया, ये आलू डाल दिया और ये इसी के साथ ये टमाटर डाल दिया। अभी एक साथ ही सब कुछ उबल जाएगा। हाँ, ये देखिए, जब तक मेरा ये छोला उबल रहा है, तब तक मैंने इधर देख के तड़के तैयारी कर ली। ये मेरी काली मिर्च है, ये मेरी दालचीनी है, ये मेरी लौंग है, जीरा है, तेज पत्ता है, ये बड़ी इलायची है। लेकिन मैं इस सबको थोड़ा हल्का हल्का इसमें दरदरा सब कूट लेंगे। ये देखिए, ये इमाम दस्ता इसमें डाल के हर चीज कूट लेंगे। जाने टाइम आ गया। ये है, ये इसको ऐसे महीन महीन से कूट लेते हैं। कूट लेने से थोड़ा दो दो टुकड़ों में हो जाता है, तो इसकी महक बड़ी अच्छी आ जाती है। फ्लेवर जो है ये बहुत अच्छा देता है, हटकुचा। इसको हमारी भाषा में दरकचा बोलते हैं। आप लोग दो टुकड़े कहते हो कि दो टुकड़े में कर दिया, तो ये दो टुकड़े मैंने कर दिया है। अब मेरा छोला देख उबल गया है। अब कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, अब इसमें तेल डालते हैं। छोले में थोड़ा तेल ज्यादा पड़ता है। माँ कमरे में है, देखो जाके। वॉशरूम में होगी, वॉशरूम में, वॉशरूम में। देखिए, ये देखिए, मैंने हल्दी, धनिया, मिर्चा, पारंपरिक मसाले बहुत थोड़े थोड़े लिए। मसाले आप अपनी सब्जी के अनुसार और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। इसको पानी से हम भिगो देते हैं, तब तक इसका फ्लेवर आ जाता है। तब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो गया तो तेज पत्ता और ये लाल मिर्च हम डाल देते हैं। इसी समय जो गरम मसाले मैंने कूट के रखे हैं, ये देखिए दरदरे करके ये सब डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा इसको प्रेस कर देने से इसमें महक बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे इलायची का मुंह खोल दीजिए, लौंग थोड़ा सा तोड़ दीजिए, काली मिर्च दो पीस टुकड़े में हो जाती है। ज़्यादा महीन भी नहीं पीस देना है, लेकिन दरकचा कर देना होता है। इसके बाद डाल देते थोड़ा सा हरा मिर्चा और ये प्याज। बिल्कुल नए तरीके से हम बना रहे हैं छोले, सिंपल भी है, तरीका भी नया है। इसी समय हम हींग डालते हैं। हम छोले में हींग जरूर डालते हैं। आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते? बहुत लोग नहीं डालते हैं। ये प्याज पक जाता है मेरा। प्याज को कर देते हैं तेज। ज्यादा प्याज को जलाएंगे नहीं, क्योंकि छोले में हल्की सी मिठास रहेगी तो अच्छा लगता है। और छोला, ये प्याज अगर ज्यादा भून जाता है तो इसमें वो उतना अच्छा मिठास नहीं रहती, तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता। अब देखिए, ये प्याज मेरा करीब करीब ये पक गया है। अब हमने ये बना के रखा हुआ, ये देखिए, ये अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। इससे हमारी जो
छोले में है, ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बनेगी। और एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, इसमें मैंने 2-3 काजू भी पीस लिए थे ग्रेवी गाढ़ी होने के लिए। अब इसको हम देर तक पकाएंगे, और जैसा कि आप सभी जानते हो तेल कम डालते हैं इसलिए पानी ज़्यादा डालते हैं, इसको पकाते हैं। अब ये पानी में मसाला मेरा पकता रहेगा, ये मसाला पक जाएगा, इसके बाद फिर मैं हल्दी मिर्चा धनिया डालूंगी। तो देखिए प्याज पक गया है, कढ़ाई छोड़ रहा है, जो थोड़ा बहुत तेल है वो साइड से रिलीज हो रहा है। देखिए तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देते हैं ये अपने पारंपरिक मसाले, यानी हल्दी मिर्चा और धनिया। अब थोड़ा पानी डाल देते हैं, इस पे डाल देते हैं टमाटर थोड़ा सा, छोले के साथ तो भटूरे का या पूरी का जोड़ा है इसका, लेकिन हम आज भटूरे इस छोले के साथ भटूरा नहीं बनाएंगे और ना पूरी बनाएंगे ना कुलचा बनाएंगे। इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का पराठा। ये इधर देखिए बिहार साइड जौनपुर साइड की मशहूर डिश है, सत्तू की बाटी भी बनती है, सत्तू का पराठा भी बनता है। तो चलिए हम सत्तू का पराठा बनाने जा रहे हैं, इस छोला मेरा बन जाए। अब देखिए इसी समय में हम इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, कश्मीरी मिर्च है, और ये देखिए ये मेरा किचन किंग मसाला है, इसमें सारे मसाले आ जाते हैं। छोला मसाला, किचन किंग मसाला, सारे एक ही होते हैं, वो थोड़ा बहुत उसका। अब गैस को करते हैं धीमे स्लो, और इधर देख लेते हैं अपना छोला। तो ये देखिए ये मेरा छोला रेडी हो गया। अब इसको हम, ये देखिए टमाटर जो है उसने अपने आप से छिलका निकाल दिया है, ये देखिए ये इसका छिलका निकल गया है, ये देखिए टमाटर का छिलका निकल चुका है, ये देखिए ये आधा टमाटर मैंने डाला था और आधा मैंने इसे सब्जी में डाला है, ये तो ये छिलका अपने आप निकल गया है। और छिलका जरूर निकाल दीजिए, छिलका जो है चाहे जितनी तेज आग में बनाओ चाहे जितना करो पिसता नहीं, या तो सीधे मिक्सी में पीस लो, वो अगर आप उबाल रहे हैं भरते के लिए या भून रहे हैं तो ये छिलका जरूर निकालना पड़ता है। अब देखिए अब ये हमारा मसाला, ये छोला जो है रेडी है। अब देखिए आलू है, प्याज है और टमाटर है, इसको हम इसी से ऐसे मैश कर देते हैं, सब कुछ मैश हो गया है। और थोड़ा छोला मैश कर लेते हैं ये, और चाय की पत्ती को जैसे पानी जो मैंने डाला है, आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, पोटली हलवाई लोग तो थोड़ा चाय की पत्ती की पोटली डाल देते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। तो ये देखिए अब ये मेरा छोला रेडी है, अब ये मसाला भी रेडी है, थोड़ा सा और भून लेते हैं, थोड़ा भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का भी टेस्ट छोले में बड़ा अच्छा आता है। अब डाल दिया इसमें मैंने छोला, चाय की वजह से ये देखिए ऐसे थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देते हैं। करी पत्ता, एक करी पत्ता पड़ गया। अब इसमें पानी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें,
नमक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, साहब मेरा छोला रेडी हो गया। तो देखिए आपको मेरी डिशें कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए हरी धनिया डाल देते हैं, हरी धनिया पड़ गई। अब गैस को करते हैं बंद और इसकी करते हैं प्लेटिंग। इसमें हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया छोला बनके और बहुत ही खुशबूदार और बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए सिर्फ तड़का रेडी रखिए, जैसे हलवाई लोग क्या करते हैं तड़का सारा बना के रखते हैं और सब्जी जो है कोई भी सब्जी तुरंत आप ऑर्डर करो, बस तड़का में डाल दिया और आपको दे दिया। ये देखिए तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं ये देखिए ये छोला रेडी है। ये देखिए ये छोला। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।